पीटी एकेडमिक नाम से सजेस्टिव है कि वो उन पर्पस क्या है इसका कि वो लोग जो के पढ़ने जा रहे हैं ठीक है पीटी कोर है वो स्पेसिफिकली उन लोगों को कैटर करेगा जो के वर्क या फिर इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं पीटी सिर्फ पीटी कोर वाला टेस्ट ऑफर कर रही है टेस्ट इस हिसाब से सेट किया जाएगा कि वो उनकी जनरल इंग्लिश को टेस्ट करे बजाय कि उनकी सिर्फ एकेडमिक इंग्लिश को टेस्ट करे असलम वेलकम टू अनदर वीडियो आज की वीडियो में मैं कंपेयर करूंगा पी टी एक्डेमिक को पी टी कोर् के साथ और मैं आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझा दूंगा और बहुत सारे मतलब लोग समझते हैं कि जैसे पी टी मतलब में मैच होता है जर्नल और एकेडमिक का डिफरेंस है ना उसी तरह से समझते हैं कि पी भी जर्नल में अवेलेबल होता है लेकिन पी जर्नल वाला ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है हाँ उल्दो अभी रिसेंटली उन्होंने पी टी कोर जरूर लॉन्च कर दिया है पर वो बहुत ज़्यादा एक लिमिटेड कहलो के सर्कल के लिए एप्लीकेबल है हर कोई उसको नहीं कर सकता तो आई विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन दिस वीडियो सो लेट्स गेट स्टार्टड सबसे पहली चीज़ पी टी एकेडामिक नाम से सजेस्टिव है कि वो उन परपज़ क्या है इसका कि वो लोग जो कि पढ़ने जा रहे हैं ठीक है जो पीटी कोर है वो स्पेसिफिकली उन लोगों को स्पेसिफिकलीटर करेगा जो कि वर्क या फिर इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं ठीक है अगर आप काम के लिए जाना चाहते हैं लिए वर्कर के तो उसमें करेगा बट द ओनली पीटी कोर इज एक्सेप्टेबल इन कैनेडा अभी के लिए सिर्फ कैनेडा उन लोगों के लिए जो कि वर्क या इमिग्रेशन के लिए कैनेडा में आना चाहते हैं पीटी सिर्फ पीटी कोर वाला टेस्ट ऑफर कर रहे हैं अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप ऑस्ट्रेलिया या यूके या किसी और कंट्री में जाना चाहते हो फॉर द स्किल्ड और फॉर इमिग्रेशन एंड ऑल तो आप पी टी कोर दे सकते हो नहीं अभी सिर्फ ये कनाडा के लिए है जो कि 14 फेब से ऑनवर्ड लॉन्च हुआ था और अब कनाडा इसको एक्सेप्ट कर रहा है और आप टेस्ट सेंटर्स में देख सकते हो इसकी जो बुकिंग्स हैं वो अवेलेबल हैं आप टेस्ट बुक करवा सकते हो और जा सकते हो फॉर नाउ देयर इज़ एर्जेंट डिफरेंस बिटवीन द फी एंड ऑल लेकिन इन द फ्यूचर उन्होंने जब ये लॉन्च किया था तब उन्होंने नोटिफाई किया था कि फ़ी का डिफरेंस आएगा मतलब इट शुड रिलेटिवली लेस एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू बी टी तो वो बाद में चेंज होगा फॉर नाउ बट इट्स द सेम ठीक हो गया तो हमारे पास पहला डिफरेंस तो ये समझ लो एकेडमिक जो जो है ना कि हम स्टडी पर्पज के लिए करें ये हर जगह चलेगा ये चाहे आप यूके के लिए कर लो इसको बेशक कैनेडा के लिए कर लो बेशक ऑस्ट्रेलिया के लिए कर लो और अब तो जो, जो जर्मनी और फ्रांस वगैरह इस तरह की कंट्रीज के लिए अगर कर आप करना चाहते हो तो वहां पर भी आपका पीटी एकेडेमिक चल जाएगा ठीक हो गया तो ये एक कह लो कि पहले तो मेजर डिफरेंस समझ लो अब हमारे पास जो पीटी कोर है उसमें क्या चेंजेस है जो कि पीटी एकेडमिक में नहीं है सबसे पहले तो जो है वो कंटेंट सबसे ज्यादा डिफरेंट है यानी कि देखो इंटेंशन इंटेंशन इसकी डिफरेंट है है ना इस टेस्ट की। इस टेस्ट टेस्ट की की क्या है? उन लोगों को कैटर किया जाए जो कि जॉब तो कर रहे हैं जिनके पास कुछ स्किल तो है लेकिन एकेडमिया से उनका जो है ना ताल्लुक काफ, काफी देर से छूटा हुआ है तो उस तरह से उनकी कॉम्प्रीहेंशन वो वाली नहीं है जो कि एक स्टूडेंट की होती है तो टेस्ट इस हिसाब से सेट किया जाएगा कि वो उनकी जर्नल इंग्लिश को टेस्ट करे बजाय कि उनकी सिर्फ एकेडमिक इंग्लिश को टेस्ट करे तो इसके अंदर जो भी कंटेंट है स्पोकन का रिटर्न का और कन्वर्सेशन है लिसनिंग है वो सारी एक जर्नैरिक है ठीक है सबसे जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं समझा दूं तो इसके अंदर हमें ई वाला क्वेश्चन आता है राइटिंग के अंदर जबकि यहां पर हम वो एक लेंथी एसे लिख रहे होते हैं ठीक है आपको पता है पीटी एकेडमिक के अंदर ऐसे वाला क्वेश्चन होता है सबरी वाला क्वेश्चन होता है इसके अंदर

इधर आता है रिटेल लेक्चर यहां पर उसकी जगह हमारे पास रिस्पॉन्ड uh, वाला क्वेश्चन आता है कि रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन आपको एक सिचुएशन सुनाते हैं वो सुनकर आपने उसको रिस्पॉन्ड करना होता है कि इस सिचुएशन का क्या रिस्पॉन्स होगा इसमें क्या जवाब दिया जा सकता है इट्स नॉट लाइक रिटेल लेक्चर रिटेल लेक्चर में लेक्चर सुन के हम उसका बता रहे होते हैं समरी लेकिन इस क्वेश्चन में हमने उसको थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया Uh, इसी तरह जो ई मेल वाला क्वेश्चन ऑलरेडी बता चुका हूँ इन द ब्लैंक्स और वो जो रीडिंग का पोर्शन है पैराग्राफ वो सब सेम रहेगा लिसनिंग के क्वेश्चन भी सेम रहेंगे लिसनिंग का सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो पीटी के कोवर के अंदर आपको नहीं देखने को मिलेगा हमें पीटी एकेडमिक में क्वेश्चन लिसनिंग के अंदर देखने को मिलता है जो होता है कि हाईलाइट करेक्ट समरी आई होप यू अंडरस्टैंड दिस राइटिंग करेक्ट समरी वाला जो क्वेश्चन है जो कि हमारे पास यहां पर है वो हमें इधर देखने को नहीं मिलता तो इसके जो टोटल क्वेश्चन होंगे पीटी कोर के तो एक क्वेश्चन कम हो गया ठीक है वो आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगा तो इंटेंशन डिफरेंट है कंटेंट डिफरेंट है और इसको प्रिपरेशन करने वाले लोग जो है वो छोटो डिफरेंट हो गए मतलब क्या मतलब मेथड वही रहेगा ए आई टेस्ट है और सारा कुछ बिल्कुल एग्जैक्टली exactly सेम है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल सेम है उसी तरह मल्टीपल सेक्शंस में जो है वो नंबर ऐड uh, कर रहे हैं वैल्यू बाकी सारा कोई पैटर्न जो है जो उसका टेस्ट का पैटर्न था और स्पेसिफिक क्राइटेरियाज थे वो सब सेम है बस ये कुछ मेजर जो डिफ्रेंसेज हैं ना वो हैं और मैं इन पर फिर एक दफ़ा रिट्रेट कर दूँ कि पी कोर जो है अभी सिर्फ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि कैनेडा जाना चाहते हैं उसके अलावा कहीं पर अगर आप वर्क लिए जाना चाहते हो तो आप पी कोर नहीं बल्कि पी टी की तरफ ही आओगे Thank you so much for watching the video. I'll see you in the next one.